जब भी दोस्तों आपको यहाँ से कोई कॉल आता है जॉब के बारे में, तो पहला तो आपको ये करना है कि सब कॉल रिसीव करने हैं आपको। कभी कभी हमारे बंदे क्या करते हैं, अननोन नंबर है, ब्लैकलिस्टेड कर दो, ये बात नहीं करनी है। यहाँ का कोड है दुबई का +971। ओके, तो ये नंबर तो आप गलती से भी ब्लैकलिस्ट में मत डालो, आपको ये नंबर उठाना ही उठाना है। ओके, और एक बात मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे जो वीडियोस हैं ना, आप पूरे देखा करिए पूरे, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ओके, मैं क्या कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ कभी, जो भी मन में आता है मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो यहाँ के फ़ोन आपको उठाने हैं कभी कभी। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अरबी लैंग्वेज होती है उनकी इंग्लिश असेंट अलग तरह की होती है, तो ये जो यहाँ के जो कॉल आते हैं ये आपको पहले ठीक से उसको सुनना है। हाँ, भले आपको इंग्लिश आती है, मगर यहाँ के असेंट थोड़ी सी अलग है। वो मतलब अगर किसी अरबी ने अगर आपको कॉल किया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। सो बेटर कॉल रिकॉर्डर आपके मोबाइल में डाल लीजिए, फिर से वो सुन सकते हो आप उसने क्या कहा है कुछ। क्योंकि आप डबल डबल बातें एम्प्लॉयर से नहीं पूछ सकते हो, सर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ओके, अगर इंग्लिश में बोल रहा है वो बंदा, तो उससे पहले ठीक से सुनिए क्या बोल रहा है वो। ओके, अगर इंग्लिश नहीं आती है आपको, तो उसको पूछे कि सर मे आई स्पीक विथ हिंदी लाइक दिस, ऐसे पूछे उसको। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे इंडियन पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, तो वो लोग हिंदी जानते हैं उर्दू जानते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। ओके, यहाँ से जब भी आपको ऑफर मिलता है तो पहले तो आपका इंटरव्यू होता है, फ़ोन पे होगा, स्काइप पे होगा। वो लोग कुछ टास्क भी बताएंगे आपको, टास्क मतलब अगर आप ऑटोकैड इंजीनियर हो तो ऑटोकैड का काम बताएंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो सॉफ्टवेयर का कुछ टास्क बताएंगे, मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग टास्क वो बताएंगे आपको। आफ्टर टास्क आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, उसमें सैलरी के बारे में आपको पूछेंगे वो लोग, और ये बातें वो कंफर्म कर देंगे कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, ये हो गए। उसके बाद वो कंपनी का ऑफर लेटर आपको ईमेल कर देंगे। सही है, कंपनी का ईमेल जब भी आपको वो लोग ईमेल करते हैं, उसको ठीक से पढ़िए क्या है उसमें, आपको कुछ शंका है, कुछ डाउट है मुझको पूछिए। ठीक है, उसमें होना चाहिए एक दिन छुट्टी, मिनिमम वन डे छुट्टी, एक दिन छुट्टी वंस इन इन वीक। ओके, फ्राइडे होता है यहाँ पे ऑफ, इंडिया हमारे कंट्री की तरह यहाँ पे संडे ऑफ नहीं होता है दोस्तों, संडे नॉर्मल वर्किंग होता है, यहाँ पे होता है फ्राइडे ऑफ। ओके, सिर्फ उसके बाद होता है 8 घंटे, 8 आवर्स वर्किंग आवर्स, 8 आवर्स और 10 आवर्स कुछ भी हो वो देख लीजिए, और 30 डेज वैकेशन आफ्टर 1 ईयर, ये होना ही होना है। और उसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है यहाँ पे, जिससे आपको कुछ बीमारी होती है, आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आपको कम से कम पैसों में आपका इलाज हो जाता है। मतलब आपको अगर आपका यहाँ पे 100 दिरहम खर्चा आ गया, तो आपको देना है सिर्फ 10, 20, 30 इस तरह। ओके, पूरा पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, वीज़ा कंपनी प्रोवाइड करती है, ओके, एजेंट नहीं। तो एजेंट के आप पास में मत जाओ, कॉन्टेक्ट में मत जाओ, बुरा हो सके, वो पैसा लेके आपको लूप में डाल देगा, कल आओ परसों आओ, कल आओ परसों आओ। ठीक है, तो उसके ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद कंपनी आपको गवर्नमेंट का यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका ऑफर लेटर भेज देगी, वो अरबिक और इंग्लिश में होता है। आपको ही इंग्लिश नहीं आती है तो किसी जो एजुकेटेड पर्सन है उससे पढ़ लीजिए क्या लिखा है उसमें, वो साइन करके आपको यहाँ पे वापस भेजना पड़ता है। वो भेजने के बाद फिर आपको पूछेंगे, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको पूछेंगे डिग्री सर्टिफिकेट विद अटेस्टेड। ओके,
जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। एक्चुअली अभी मेरे पास अटेस्टेड मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है, मगर मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, अभी नहीं है मेरे पास, मतलब ऊपर नहीं है। बाद में एक वीडियो उस पर सेपरेट बनाऊँगा और एक बार फेस टू फेस, और उसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया। हाँ, वो डिग्री सर्टिफिकेट जब आप भेजते हो तो तकरीबन 5-10 दिन में आपका वीज़ा रेडी होता है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो लगता है 1-2 दिन, मगर वो कंपनी पे डिपेंड होता है, वो लोग कितना लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं, और वो वीज़ा आपको भेज देते हैं बाय ईमेल। वो पेपर वीज़ा होता है एंट्री के लिए यहाँ पे, ठीक है। इंडिया से अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 30 kg वेट अलाउड होता है लगेज में, 7 kg हैंड बैग में होता है। रूल्स फॉलो कीजिए एयरलाइंस के, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। आपके कुछ दवाइयाँ अगर आपके है, मतलब यहाँ पे थोड़ा दवाइयाँ का खर्च ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब आप सर्दी खांसी होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, ओके, हम लोग तो उसके लिए आप हमारे यहाँ से ही थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेके आइए। मतलब अगर बदन दर्द कर रहा है तो उसके लिए मेडिसिन आपके पास होना ज़रूरी है, ये छोटे छोटे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लेने गए तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स मिलता है 10 गोलियों का 20 गोलियों का 30 गोलियों का, तो हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। फिर हाँ, एक और बात बतानी चाहता था कि मुझको बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि सर हम लोग वहाँ पे हमारी फैमिली ला सकते हैं क्या। हाँ ला सकते हैं, मगर पहला ट्राई आप खुद आओ यहाँ पे। उसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपको खुद आना पड़ता है यहाँ पे पहले, और फिर आपका फैमिली का वीज़ा का प्रोसेस करना पड़ता है। सेम आपकी तरह ही होता है, वो दूसरा कुछ नहीं है, मगर मेरा आपसे ये कहना है कि आप पहले आने के बाद 6 महीने खुद रहो यहाँ पे, 6-3 कुछ भी महीने, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए यहाँ पे कितना कॉस्टिंग होता है, कितना पैसा बचता है। अगर आप फैमिली लेके आओगे तो यहाँ पे अगर पूरा आपकी सैलरी ख़त्म हो रही है तो क्या फिर यहाँ आने का क्या है, फायदा ही नहीं ना। हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, सेविंग्स के लिए। अगर आप पूरा यहाँ पे आपकी सैलरी उड़ा रहे हो तो कुछ मतलब उसके मायने ही नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है तो उसको भी जॉब देख लीजिए, ओके, सेम सैलरी उसको भी मिलेगी, आपकी सेविंग्स डबल हो जाएगी। सो आपकी जो एक सैलरी है आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, एक सैलरी सेविंग डाल सकते हो, इससे आपके पास फैमिली भी आपके पास रहेगी और फैमिली भी आपके पास रहेगी और आपका खर्चा भी नहीं होगा, मतलब अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो, ठीक है। बस दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए ही बनाया था, आपके कुछ कमेंट है, अभी मेरे दिमाग में जो भी कमेंट आएंगे मैं इस तरह से ही वीडियो बनाऊंगा डायरेक्टली और पोस्ट कर दूंगा। वीडियो पूरा देखा करिए, छोटा छोटा पॉइंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात दोस्तों, मैं सॉरी टू से, मगर मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया था वो मैं कुछ दिन बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझको बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ऑल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऑनलाइन आता हूँ तो मुझको बहुत रिप्लाई आते हैं, मैं रिप्लाई भी नहीं दे सकता बहुत, मतलब 2-3 मैंने वो गिने भी नहीं है, 2-3 हज़ार से ऊपर है। तो मुझको ये कहना है दोस्तों कि मैं क्यों बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे कि यार टेक गुरु मेरे से बात ही नहीं करता है, सबसे बात करता है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं वो बंद करना चाहता हूँ, बाद में करूँगा कुछ तो। हम लोग लाइव चैट सेशन भी रखेंगे यूट्यूब पर, उसमें आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं मेरे से, इवेंट मतलब आपके कुछ भी क्वेश्चन है हम वहाँ उस टाइम वहाँ पर सब सॉल्व कर देंगे दोस्तों। कुछ नहीं, ऑफिस को जा रहा हूँ, आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहता था इसलिए अभी बना रहा हूँ। बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अच्छा लगता है मुझको आपको आंसर करना, क्योंकि मुझको पता है, मुझको हेल्प करनी अच्छी लगती है।
आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बात की। गलतियां मत करिए, थोड़ी छोटी छोटी वाली। इससे कैसा होता है, जैसे दो मेजर गलती आप लोग करते हो, एक तो पासपोर्ट की एंट्री नहीं डालते हो CV में, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की डिटेल्स, और दूसरी गलती आप करते हो वो जो फ़ोन नंबर होता है आपका, वो सिर्फ नंबर डालते हो, कंट्री कोड नहीं डालते हो। ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती है, छोटी छोटी, इसको फोकस कीजिए। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ इसके लिए ही बनाता है। चलो बाय बाय।